पता नहीं कौन सी नींदें हैं इनकी, क्या हल जोत कर आते हैं कि इनकी नींदें ही पूरे नहीं होती हैं। हद हो गई है, हैं? बगैर लाइट के भी ऐसे बेखबर सो रहे, कोई होश ही नहीं है। अरे मनहूसो उठ जाओ, सुबह के 11 बज रहे हैं, पड़े सो रहे हो, उठ जल्दी उठ यहां से, तुम भी उठो, ज्यादा मस्ता हो नहीं। बिल तो सही नहीं किया उन लोगों ने, वही 25,000 का बिल है, इस महीने के 5,000 और लगा दिए। आशिर तुम क्या बात करके आए थे वहां? हाँ मैं अब वो गया था। भाई तुम्हारी झाड़ू लग गई तो पंखा चला दो यार। कहां से खोल दूं? जब से आप गए ना तब से लाइट गई हुई है। अजीब तमाशा है भाई, ये मुजम्मिल का है, इसने कुंडा क्यों नहीं लगाया अभी तक? अब बाथरूम में होगा वो। जमील जल्दी बाहर आओ। जाओ जाके कुंडा लगाओ। भाई क्या बात की थी वहां? अब वो कह रहे कि बिल ठीक हो के दोबारा बनेगा। और तुम बिल लेकर आ गए, उन्होंने और ज्यादा बिल बना दिया आज। अबे कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। ये ले। तो क्या हमें ये भरना पड़ेगा? और क्या भरना ही पड़ेगा, पिछले जो 25,000 थे उसमें से 5,000 रुपये और इस महीने के 5,000 उसमें से 1,000 रुपये का बिल बनाया, टोटल 6,000 रुपये भरने। अब क्या होगा, कहाँ से भरेंगे इतना बिल? आपने कहा नहीं कि 5,000 तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ कौन सी फैक्ट्री चल रही है? माचिस के डिब्बे जितना तो घर है। अरे कौन सुनता है वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से रीडिंग निकाल के बिल बना देते हैं बस। हद ही हो गई है। और ये 25,000 का क्या हिसाब है? भाई लॉकडाउन में जो बिल नहीं आया था वो जमा हो गया, इतना हो गया। ये तो हद ही हो गई। अरे हाँ वो है ना जुबैदा, उसके शौहर का एक दोस्त है, वो बिजली के दफ्तर में काम करता है, मैं उससे बात करती हूँ, हो सकता है वो माफ करा दे। हाँ हाँ तुम बात करके देखो। अभी नाश्ता बना दे। अच्छा ठीक है मैं बना दूँ। बकवास बंद कर, मेरा कोई कसूर नहीं है दादा। इनके तो रोज का ही झगड़ा, तमाशा बना के रखा हुआ इन लोगों ने। इन्हीं की मनुष्यता आ रही है हमारे घर में, तो बिल आ रहे इतने ज्यादा। ये मसला सिर्फ जाकिर के घर का नहीं बल्कि उसके मोहल्ले के हर दूसरे घर का है, जहां बिजली कम और आबादी बढ़ती जा रही है। लोड शेडिंग की परेशानी का हल ये लोग कुंडे लगाकर निकालते हैं, और जब भारी भरकम बिल आते हैं तो सर पकड़ लेते हैं। मैं आ रहा हूं भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे क्या यार? क्या है, क्या मसला यार? आदिल भाई मोटर बंद कर दे यार। ए यार तुमने एक अलग हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा खासा बंदा अंदर सो रहा होता है, दरवाजा बजा बजा के नींद खराब कर देते हो उसकी। खुदा का खौफ करो आदिल भाई, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं और तुम हो के कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है। ओ ये जाकर इखलाकी जिम्मेदारी है, कहीं और जाकर सिखा। खुद दूसरों की पार्किंग में गाड़ियां पार्क करते हैं और आगे यहाँ पे हमें इखलाकी जिम्मेदारी सिखाने के लिए। निकल चल यहाँ से। पता नहीं किन लोगों को बैग साहब ने घर दे दिया, तुम लोगों से तो मुंह लगना फजूल है। अबे लेके जा भाई। कहा जाता है कि चौथी आलमी जंग पानी पर ही होगी, मगर कराची में न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी पर छोटी मोटी जंगें रोज देखने को मिलती हैं। इंसान भी बड़ा अजीब है, जो चीज मयसर हो उसकी कदर नहीं करता, और जब वो ना हो तो उसके लिए परेशान रहता है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जमशेद भाई, कैसे हो? और शाकिर भाई, अरे क्या बाहर बैठ के पंखा चल रहा हो यार? क्या करें, सभी लोगों ने तो कुंडा लगाया हुआ है, तभी तो बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और लाइट भी ज्यादा जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये निजाम तो ऐसे ही चलता रहेगा, बिल तो वैसे भी भारी भरकम आ रहे हैं, कम अज कम कुंडा लगाने से ही सजियत से तो बचेंगे। नहीं भी नहीं, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते, हमारा बिल तो मुनासिब आता है। अच्छा क्यों भाई, मीटर में कुछ कराया हुआ है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, हमने कोई उल्टे सीधे काम नहीं किया आज तक। तो हम भी कोई कुंडा हमेशा थोड़ी लगाते हैं, बस ये लोड शेडिंग बंद हो जाए तो निकाल दूंगा मैं भी कुंडा। और वो जो वाजबात है वो कौन अदा करेगा? अरे हाँ जमशेद भाई, वाजबात से याद आया यार, आपका कोई जानने वाला है बिजली के दफ्तर में? बिल कम करवाना यार। यार मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, अलबत्ता अकबर का बिनोई होता है बिजली के दफ्तर, तो उससे लो वो आ गया। क्या हाल है भाई आपके, कैसे हो? शुक्र है ठीक ठाक। अकबर भाई ये है जाकर भाई। अच्छा 33/2 वाले, तो इनका बिल का मसला है, वो तो ज़रा हल करवा दो। बताओ क्या मसला है? यार ये बिल बहुत ज़्यादा आ गया, बस कुछ पैसे माफ़ करवा दें इसमें। बस बस कोई मसला ही नहीं है ये तो, मैं तुम्हारा मसला हल करवा देता हूँ, एक मिनट सब्र करो। तुम्हारा मसला अगले हफ्ते तक हल हो जाएगा, मुझसे ना कांटेक्ट में रहना अगले हफ्ते तक। हाँ हाँ ठीक है। और कोई हुक्म जमशेद भाई? अरे भाई हमने तो UPS लगवा लिया, कोई टेंशन ही नहीं है बिजली की, बिजली आए ना आए। यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि UPS लगवा लूँ, लेकिन क्या करूँ पैसे नहीं मिल रहे। यार मरियम मैं भी गई थी उस आउटलेट पर, लेकिन उस वक्त सेल नहीं लगी थी, अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आओ ना यार किसी दिन, कहीं ख़त्म ना हो जाए। हाँ वो तस्वीर मैंने भी देखी थी, लेकिन वो प्रिंट ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आओ ना यार आज चलते हैं। नहीं यार अभी तो गर्मी बहुत है, शाम 6 बजे के बाद कर लेते हैं। हाँ बेहतर रहेगा। इतना शौक था यार मुझे पौधे रखने का, सबके सब मुरझा गए, टाइम ही नहीं मिलता यार पानी देने का, मसरूफ ही इतना दिन गुजरता है। अनम पानी आ रहा ऊपर डाल। हाँ भाई अभी तो आ रहा था, मैं किचन में ही थी। नीचे तो मैंने चेक किया है, नीचे तो पानी नहीं आ रहा, मोटर चलाई थी क्या? ओ हाँ मोटर चल गई, अब्बू ने कहा था आपको बता दूं, भूल गई। क्या मुसीबत है यार, अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, घर में पानी नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं यार भाई था वो, मोटर जल गई पूछ रहा था। बड़ा शोर मचा हुआ था बजट का, क्या हुआ? सब कुछ वैसे का वैसे ही, मईशत बेहतर हो रही है मगर आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। हाँ मैंने जितना TV में देखा है ये हुकूमत मईशत की बुनियादें मजबूत कर रही है। भले कर रही हो मगर आवाम इसका खुमियाजा क्यों भूलते हैं? जब भी कर्ज लेना हो कहते हैं आवाम को कुर्बानी देना हो, किसी चीज़ की किल्लत हो जाए तो आवाम कुर्बानी दे, कोई आफत आ जाए तो भी आवाम ही कुर्बानी दे, एक ही दफ़ा ख़त्म क्यों नहीं कर देते आवाम को? किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। अरे छोड़िए ना आप क्यों अपना खून चला रहे हैं? क्या करूँ फिर, खर्चा ही ख़त्म नहीं होता, हर महीने हज़ारों का बिजली का बिल, सौदा लेने जाओ हर चीज़ महंगी, बच्चों की स्कूल की फीसें, अब 25,000 वाला बंदा क्या करेगा?
दे दिए पैसे टैंकर वाले को? जी अब्बू दे दिए टैंकर वाले को पैसे, 500 रुपए ज्यादा दिए, पानी भी पूरा नहीं होता टैंकर में। देखते हैं कि पानी का मसला चल रहा है तो पैसे बढ़ा देते हैं। पूरी गली का पानी बंद है अब्बू, वो अकरम भाई बता रहे थे कि कनेक्शन ही गैर कानूनी था इसलिए वाटर बोर्ड वालों ने काट दिया। हाँ मगर हमने दरख्वास्त तो दे रखी है काफी अर्से पहले, बाकियों का मुझे पता नहीं। मोहल्ले वालों की भी तो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें क्या बातें हो रही हैं अब्बू? सब ढकोसलेबाजियां हैं, सारे मुंह के फायर हैं। मीटिंग में तो रोज कहते हैं कि मिल के आवाज उठाएंगे, साथ चलेंगे वाटर बोर्ड के ऑफिस, मगर जब जाने का वक्त आता है तो सबकी मसरूफियत आ जाती है। ऐसे कैसे पानी का मसला हल होगा अब्बू? अगर पानी के टैंकर हर महीने दो महीने में से डालता रहा ना तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। ये तो जमील जल्दी से कपड़े लेकर आओ, किस किस के कपड़े धोऊं समझ में नहीं आता। लाओ हाथ होती है, इतनी मोटी मोटी जीन्स है, मुझसे नहीं धोई जाती, खुद ही निकाल के धोया करो। आ गए अब, हो गए तैयार अब? इतने बड़े घोड़े हो गए, हर वक्त मोबाइल के अंदर लगे रहते हो, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, कहीं नौकरी ही ढूंढ लो। अम्मा नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? और फेसबुक पे लड़कियाँ तो तुम्हें फौरन मिल जाती है ना? भैया आप सही हो, बंधन के बाहर निकल जाते हो, घर का कोई काम ही नहीं करते। लाइट चली गई, जा जल्दी से जा जाके कुंडा लगा। यार आ गई। अरे फिर चली गई। अरे मेरा बच्चा जाके लगा दे दोबारा से कुंडा। आ गई, अरे आ गई आ गई, आ जा वापस आ जा। फिर चली गई। अम्मा आ तो रही है लाइट, पंखा चल तो रहा है, वॉशिंग मशीन तो नहीं खराब हो गई? चेक कर ले एक दफा। सत्यानाश हो उन लोगों का। जा जल्दी से जा, फ्रिज बंद कर, कहीं फ्रिज ना उड़ जाए। अरे तुम क्या हाथ में बिल लेके घूमते रहते हो, कुछ होता तो है नहीं तुमसे। इस बिजली ने भी अजीब तमाशा करके रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन उड़ गई है। अच्छा मुझसे कुछ नहीं होता तो इस बिल की किस्त क्या तुम्हारे भाई ने करवा के दी है? देखो देखो तुम मेरे घर वालों तक नहीं पहुँचा करो। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी जुबेदा आ पाए ना, उनके शोर से बिल की जुगाड़ कर ली है मैंने, अपना ये बिल माफ हो जाएगा। यार जरा मैं पता करके तो आऊँ, एक हफ्ता हो गया उसको बोले, पता नहीं क्या क्या बिल का, मैं पूछ के आता हूँ। अच्छा जा रहे हो ना तो वापसी में मशीन वाले को लेते आना, ताकि मशीन ठीक करानी है। अच्छा देख लूंगा। ए मेरा बच्चा दर्शन, इस मशीन के अंदर हाथ लगा के ना पहिया घुमा, हो सकता है चल जाए। हाँ ताकि मुझे करंट लग जाए, मैं वही डाल रहा था अम्मा, मैं नहीं डाला। कोई काम नहीं करना आता है, सारा दिन खाते रहेंगे पीते रहेंगे पड़े सोते रहेंगे, लेकिन मजा ले जो किसी काम को हाथ लगा ले। मैं इंसान थोड़ी हूँ, जानवर हूँ, खुद ही करूँ, जैसा करण नहीं लगेगा। हाँ अकबर भाई। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे अकबर भाई बात तो सुनो। क्या मुसीबत है यार ये, इतनी जल्दी कैसे गायब हो, इतनी लंबी गली है। अबे ये तो समझ रहा है बिजली का दफ्तर मेरे बाप का है, जान को आ गया। चलो जब तक मशीन ठीक करने वाले को ले आते, हो सकता है वापसी में मिल जाए। मुसीबत आदमी गया नहीं गया, गया शुक्र है यार गया। आप सब लोगों का मौकिफ दुरुस्त है। नाजिम साहब अगर मौकिफ दुरुस्त है तो आप जाके बात कीजिए। मसला मेरे बात करने का नहीं है। तो फिर मसला क्या है? ओ भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है और ना ही फंड है। मेरे ऑफिस की कुंडी पिछले 2 साल से टूटी हुई है, मेरे पास इतने फंड नहीं है कि मैं उसको लगवा सकूँ। ये घास देखी है, ये सारी खराब पड़ी हुई है, और ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है ना, इसमें बल्ब तक नहीं है, लाइट नहीं जलती इसमें, और बड़े मसले हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं? जब मैं अपने ऑफिस के मसले नहीं हल कर सकता तो आपके क्या करूंगा? बताएं आप। इतना खर्चा तो बंदा अपनी जेब से भी कर ले। ओ भाई क्या कहा आपने,
आप इस तरह करो कि अपनी जेबें ढीली करो, वाटर बोर्ड के वाजबात अदा करो, मसले का हल निकालो। यहाँ पर वक्त क्यों जाया कर रहे हो? हम तो समझे थे कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। गली में आपकी 15 घर हैं, लेकिन आप गिने चुने चंद लोग आए हो। जब आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब्बा, वो आबिद भाई के बेटे की सालगिरह है आज, वहीं गया वो। और आबिद भाई? वही सलमान गंजा, उसने डिफेंस से बाल नहीं लगवाया, याद है कुछ? हाँ हाँ, आ गए आप। अंधेरे में सालगिरह कौन मना रहा है? अंधेरा कहाँ, इसकी चकाचक रोशनी हो रही है, बाहर टेंट लगाया हुआ लोगों ने। बताओ, फिर से कुंडे डाल लिए? आज ही बिजली वाले सारे कुंडे जब्त करके ले गए। लोग कभी सुधरेंगे नहीं। कल तक तो हम भी कुंडे डाल रहे थे, मगर अब तो नहीं डाल रहे ना। महीने के आखिर में सालगिरह रखी है, सब वहीं गए, हम तो गिफ्ट भी नहीं दे सकते। अरे ऐसा बस हम ही लोग सोचते हैं, जिसके पास पैसा है वो देते हैं सब कुछ। अब जरा देख लो ही नहीं को आबिद भाई, हुलिये से ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा मुस्तहिक कोई होगा ही नहीं, और बेटे की सालगिरह कर रहे हैं। वैसे एक बात है, बहुत ही बनावटी लोग हैं। अब इतने ही पैसे तो क्लियर करवाए ना सारे ड्यूज, 2.5 लाख रुपए का बिल है उनके ऊपर। 2.5 लाख? हम यहाँ 30-35 हज़ार के बिल के लिए परेशान हैं। अब्बा मैं तो कह रहा हूँ आप भी जमा करवा दे इस बार, बहुत महीने हो गए जमा नहीं करवाया, अब तो जाए इसमें से ना। अब्बा क्या कर रहा था? कुछ नहीं अब्बा। क्या छुपाया बता? बाबू दिखा दे। पैसे? चोरी कर रहा था? जाकिर क्या कर रहे हैं आप? अब्बा पैसे ही तो निकालें, कुछ और थोड़ी निकालें। अच्छा पैसे ही निकाले, शर्म नहीं आई तुझे? अपने ही घर में चोरी करते हो, तुझे पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। अब्बा आप भी तो बिजली चोरी करते हैं कुंडे लगा के, मैं तो अपने घर में चोरी करी है, दूसरे घर में थोड़ी टाका डाला। कह रहा था कि घर बेच दें। क्यों, क्या हो गया? खैरियत तो है? पानी का मसला है ना अबू, रोज़ रोज़ टैंकर डल रहे हैं, किसी बेहतर जगह पर चलते हैं, अच्छा घर मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है ये घर बेचना और नया घर ढूंढना। अबू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इलाका बहने के काबिल ही नहीं रहा है, पानी के मसले, बिजली चली जाती है, इतने मसले हैं कि अब रहा ही नहीं जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम जाओ। अबू मैंने एक स्टेट एजेंट से बात कर रखी है, देखिए कम से कम भी ये घर 1.25 करोड़ का निकल जाएगा,
पार्टी भी तैयार खड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 180 गज का ये मकान है, 2 करोड़ से कम का नहीं है ये घर। मालूम है ना अबू, पानी का मसला है। 10 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, अभी तक पानी की लाइन भी नहीं बिछी है। अरे सब मिलकर कोशिश करेंगे तो होगा ना। सालों से यही बातें सुनता आ रहा हूँ मैं आपकी। अब तो गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स भी बंद हो गए हैं, टैंकर और मजीद महंगा हो गया, परेशानियाँ तो हमें उठानी पड़ती हैं ना। अच्छा चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लें। सही तो कहा मुजम्मिल, हम बिजली चोरी करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे बिल ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। तकरीबन पिछले 8-9 महीने से हमने बिजली का बिल नहीं भरा। अगर लोग कुंडा लगाना छोड़ दें तो शायद बिजली के बिल भी कम हो जाएं, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाए। हाँ, जैसे तुम्हारे पैसे जमा कर लेने से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी और बिल भी कम आएगा। नहीं लेकिन हमें तसल्ली तो होगी ना कि हम चोरी नहीं करते। ये लो 6,000, कितने हो गए? ये 21 हो गए। ये 7,000 हैं। मुजम्मिल के स्कूल की फीस है, ये मैंने जमा करके रखी थी। पूरे हो गए? हो जाएगा कुछ ना कुछ, तुम परेशान मत हो। तो ये बिल जमा करके आता हूँ, देखभाल के जाइएगा। का इस्तेमाल जरा एहतियात से करना। जी अब्बू, ध्यान से तो कर रही हूँ। पानी का क्या मसला है, कब हल होगा? आपसे कह कह के थक गई, चेंज कर लें घर। पता नहीं क्या मुसीबत हो गई अचानक से। थोड़े अरसे पहले भी तो मसला हुआ था। वो तो पानी की लाइन फट गई थी, उसको दोबारा मरम्मत करवाई थी। तो ये क्या मसला हुआ है? ये इनलीगल कनेक्शन का मसला है। यानी हम लोग चोरी का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। 15 साल पहले लोग कहते हैं कि यहाँ पानी बहुत आता था। वाटर बोर्ड वालों के पैसे थे लोगों के ऊपर, उन्होंने दिए नहीं तो उन्होंने लाइन काट दी। उन्होंने फिर मेन लाइन से पानी खींचना शुरू कर दिया, तो फिर वाटर बोर्ड वालों को पता चला तो उन्होंने दोबारा लाइन काट दी। बाहर जल्दी आए, बाहर मोहल्ले वालों ने वाटर बोर्ड वालों को घेर लिया। जल्दी आए, पकड़ो इन लोगों को, लोगों का पानी बंद करते हैं ये लोग। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम इस महल्ले में आज पहली बार आए हैं और हमें मारने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों की लाइन गैर कानूनी थी और गैर कानूनी ही रहेगी। अरे हमने दरख्वास्त दे तो रखी है आप लोगों को, तो फिर आप लगाते क्यों नहीं हो? देखिए, सिर्फ दरख्वास्त देने से कुछ नहीं होगा, 10 से 15 साल के वाजिबात भी आप लोगों को अदा करने होंगे जो आपके गली वालों ने अभी तक अदा नहीं किए। ओ भाई, हमें क्या पता, कई सालों से तो बिल नहीं आया हमारे पास। हर 6 से 8 महीने में पानी का बिल आता है, आप लोगों को बाकायदगी से पानी का बिल भरना चाहिए था। अब भर देंगे बिल, पहले पानी तो खोल जाके। अरे वाटर बोर्ड हमारे बाप का थोड़ी है और हम लोग भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं। आप लोग बिल क्लियर कर दो और अब तो चोरी की लाइन का मुकदमा भी दर्ज होगा आप लोगों पर। ऐसे कैसे फाइन लग गया, जब पानी नहीं दोगे तो क्या करें हम? तो पानी चोरी करोगे इसका मतलब? ये तो कहता इनको मारो, ये पिट के जाएंगे ना तो महकमे वाले खुद ही पानी खोलेंगे। सही बोल रहा है। खबरदार, अगर हम लोगों पे जरा सी भी खराश आई तो एक एक FIR कटेगी। अरे ओ जीनत,
हमारा बिजली का बिल क्लियर हो गया। आखिरकार बिजली वालों ने अपने पूरे पैसे निकलवा लिए। अरे नहीं भाई सुनो तो सही, पूरी पेमेंट पर 50% डिस्काउंट की स्कीम आई हुई थी, सिर्फ 14,000 भरे बिल क्लियर, बाकी पैसे माफ कर दिए उन लोगों ने, बस अब हम बाकायदगी से बिल जमा करेंगे। अच्छा, और लोड शेडिंग का मसला तो वहीं का वहीं है ना भाई, उसके लिए कुंडा सिस्टम खत्म कराना होगा, मैं आज ही बात करता हूँ मोहल्ले वालों से। करके देख लें आपकी नेक नियति होगी तो हो जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई आपका साथ दे। भाई क्यों नहीं सुनेंगे, सब लोग यही चाहते हैं कि कुंडा सिस्टम खत्म होना चाहिए, हो सकता है उसकी वजह से बिल कम आए। हाँ हाँ जाएं आप जाके बात कर लीजिए, मना थोड़ी कर रही हूँ, चलें हो सकता है कोई आपकी बात सुन ले। बल्कि गली में कुछ लोग बैठे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ बात करने के लिए। जल्दी आइएगा, खाना बस तैयार ही है। हाँ हाँ आता हूँ। भाई आप लोग एक दफा बिजली के दफ्तर तो जाएं, चाहे तो अपने बिल की आसान किस्तें करवा लें, आजकल बहुत तावन कर रहे हैं वो लोग। क्या तावन कर रहे हैं भाई, बिजली इतनी महंगी कर दी है, हम इतने पैसे अदा नहीं कर सकते। क्या बच्चों को खिलाएं और क्या बिल भरे। अरे भाई आपका बिल तो कम था, हमारे ऊपर तो 2,00,000 रुपए चढ़े हुए, हम 1,00,000 रुपए कहाँ से लाएंगे। भाई कई सालों से बिजली का बिल भरा भी तो नहीं था आपने। नहीं भाई किस्तें पता नहीं कितने सालों तक चलती हैं, इसमें हेर फेर करके और ज्यादा पैसे ले लेते हैं ये लोग। हाँ तो अब भी नहीं भरेंगे इतने ज्यादा बिल, ज्यादती है वैसे, हमारे घर तो एसी भी नहीं लगा हुआ। छोड़ यार ये चेक कर। भाई मैं बिजली का बिल कैसे भरूंगा, यहाँ खाने को नहीं है, हुकूमत ने इतने टैक्स ये लगा दिया, खाना खाएं, बच्चों को तालीम दिलाएं या मकान का किराया दें, हमारा तो किराए का मकान है, कहाँ से अदा करेंगे, मैं तो नहीं भरूंगा बिल। अवाम मसाइल के हल के बजाय मसाइल में घिरे रहने के आदि हो गए हैं और गलती पर पर्दा डालने के लिए मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर हमदर्दी वसूल करते हैं। अवाम के शिकवे शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगे, मसाइल मजीद बढ़ते रहेंगे, जिसके खात्मे के लिए खुद एहतसाबी जरूरी है। अबे भाई आलू के रेट पता है मंडी में क्या हो रहे हैं, 60 रुपए किलो बिक रहा है आलू, और ये तेल तेल भी 300 तक पहुंच गया है। अब हुकूमत कुछ महंगाई कम करेगी तो हम कुछ सोचेंगे ना, ये 200-300 रुपए में ये बताओ कि करें क्या, घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं या बिजली के बिल भरें। लेकिन भाई कुंडे की बिजली इस्तेमाल करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। भाई कौन चाहता है चोरी की लाइट इस्तेमाल करें, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, महंगाई कुछ कम हो तो बंदा सोचे। देखो भाई जिनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा है ना, बिजली वालों ने उनके लिए स्कीम निकाली, आधा बिल माफ कर रहे हैं, आधा तो भर सकते हो। अरे भैया अखराजात इतने हैं कि जो बिल आता है उसका आधा भी नहीं भर सकता मैं। मतलब आप बिल नहीं भरोगे। अरे भैया आपको कौन समझाए, अब यार मैं कोई बिजली के महकमे वाला नहीं हूँ, आपके मोहल्ले का आदमी, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग बिल भरेंगे, अगर तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिजली के बिल भी कम हो जाएगी। भैया ये बिजली के बिल बिल के चक्करों में मत पड़ो। अबू कहाँ जा रहे हैं आप? वाटर बोर्ड में एप्लीकेशन जमा करवाने, पानी के कनेक्शन के लिए। अच्छा तो और कोई आपके साथ नहीं जा रहा? नहीं मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो किसी ना किसी को तो आपके साथ जाना चाहिए ना। किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी, पानी भी तो हम ही चोरी कर रहे थे। वो पता नहीं कितना जुर्माना लगा दे इस तरह से, तो किसी ना किसी को साथ लेकर जाए प्लीज। मैंने सबसे बात कर ली थी, कोई भी साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आज बहुत देर कर दी आने में।
अरे हाँ बस फ्रूट लेने निकल गया था। महंगाई इतनी हो गई कि कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आप लेकर नहीं आते नहीं खाते क्या क्या ना खाए? हर चीज को आग लगी हुई है। आटा चावल दालें घी तेल सब्जी गोश्त हर चीज की कीमत तिगुनी हो गई। और वैसे भी फ्रूट लाना तो मैंने छोड़ ही दिया है। तुम्हें याद है आखिरी बार कब लाया था मैं? पता नहीं कब खत्म हो गई है महंगाई। हर तरफ करप्शन हर तरफ धोखा दे और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये हम आवाम का कसूर। अगर हम एक हो जाएं तो कोई हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। कोई इदारा बदउनवान नहीं होता। बस इदारे में बैठे हुए लोग अगर दयानतदारी के साथ काम कर दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा और ऐसा होगा कब? जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। यानी लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया है इसीलिए लोग बददियानती करते हैं। अच्छा आप परेशान हैं, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि आज फ्रूट आया है। अवाम अगर मुत्तहिद होंगे तो हुकूक के हुसूल समेत हर मुहाज पर कामयाब होंगे। गैर कानूनी तामीरात पानी और बिजली चोरी संगीन जराइम हैं। कोई इदारा बदनुमान नहीं होता। इदारे में काम करने वाले लोग दयानतदारी से काम करें तो मसाइल पर मौसर अंदाज में काबू पाया जा सकता है।